हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर सो इंडिकेटर क्या होता है एंड इंडिकेटर टेलर वेदर द सब्सटेंस वी आर आर टेस्टिंग एसिड्स और बेस सो इंडिकेटर हमें बताता है हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो भी सब्सटेंस का हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो एसिड्स है या बेसिक है देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर तो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है जो हमें नेचर से मिलता है यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन नेचर तो ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो नेचर में डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स आर लिटमस टर्मरिक सो लिटमस जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये रेड कलर शो करता है वही लिटमस जब बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर शो करता है देन नेचुरल इंडिकेटर का दूसरा एग्जाम्पल है टर्मरिक टर्मरिक जो हल्दी होती है वो नॉर्मली येलो कलर की होती है तो टर्मरिक एसिड के कांटेक्ट में येलो कलर का ही रहता है उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है एसिड के कांटेक्ट में वो येलो ही रहता है लेकिन जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर का हो जाता है देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज़ सिंथेटिक इंडिकेटर तो ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं इन्हें हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है ये मैन मेड इंडिकेटर होते हैं इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है सो सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए फिनपथलिन मिथाइल ऑरेंज सो फिनाप्थलिन वैसे तो ये कलर लेस होता है तो जब ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो कलर लेस ही रहता है उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है लेकिन जब फिनप्थलिन बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो पिंक कलर शो करता है देन मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है तो जब ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है वही मिथाइल ऑरेंज जब बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये येलो कलर शो करता है देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज़ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सो दो सब्सटेंसेज हु स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर तो यहाँ पर स्मेल चेंज स्मेल चेंज इंडिकेट करेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है हमने जो पहले दो इंडिकेटर डिस्कस की उसमें कलर चेंज हो रहा था कलर चेंज पर हम इंडिकेट कर पा रहे थे कि वेदर द सब्स्टेंसेज एसिडिक और बेसिक बट ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंस एसिड है या बेसिक इसमें स्मेल चेंज होता है सो so, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है अनियन वेनिला एसेंस क्लोव ऑयल सो अनियन अनियन का एक कैरेक्टरिस्टिक कर, स्मेल होता है तो जब ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसका स्मेल चेंज नहीं होता है जैसा उसका पहले स्मेल था कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वही स्मेल रहता है स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं लेकिन अनियन जब बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसका स्मेल गायब हो जाता है देन नेक्स्ट इज वेनिला एसेंस वेनिला एसेंस को यूज़ किया जाता है आइसक्रीम में फ्लेवर देने के लिए केक में फ्लेवर वगैरह देने के लिए यूज़ किया जाता है तो जब वैनिला एसेंस एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है वही रहती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है लेकिन जब ये बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसका स्मेल वैनिश्ड हो जाता है गायब हो जाता है देन क्लव ऑयल सेम नो चेंजिंग स्मेल एसिड के कॉन्टैक्ट में कोई स्मेल में चेंज नहीं आता है जैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है वही रहता है लेकिन बेस के कॉन्टेक्ट में इसका स्मेल वैनिस्ड हो जाता है